साइबर सिटी गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा कर समस्याओं का निपटारा किया गया। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी जानकारियां साझा की। सीएम ने गुरुग्राम में नमाज को लेकर विरोध पर कहा कि प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने कहा कि चिन्हित जगहों पर ही धार्मिक आयोजन होने चाहिए। इसी के साथ सीएम ने एलनाबाद उपचुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि बीजेपी विकास के दम पर उपचुनाव लड़ रही है। विपक्ष चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन जीतेंगे सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ही। बच्चा बच्चा बड़ा बूढ़ा सब खुश है, केवल मात्र कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर जो उस आंदोलन की आड़ में विरोध करते हैं। स्वाभाविक है, कुछ लोग विरोध भी करेंगे, अगर करते हैं तो विपक्ष का अपना काम है, लेकिन वहां जनमानस जो है भारतीय जनता पार्टी के हित में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को गोविंद कांडा को जिताने के लिए तैयार है।